हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर आया। ट्रेलर में इस बार जो है एकदम कटीली छमिया के तौर पे आयुष्मान खुराना दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में होता क्या है कि उनको किसी के पैसे चुकाना है, क्रेडिट कार्ड वाले का फ़ोन आता है तो कहते हैं, अच्छा आप मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे, मतलब ऐसे कुछ कहते हैं। और उसके बाद फिर अनुजी कपूर जी कहते हैं कि हम लोग जो है कर्जों के तले डूबे हुए हैं, मतलब माल्या ने भी इतना कर्ज नहीं ले रखा जितना कि हमने ले रखा है। तो आयुष्मान खुराना का किरदार कहता है कि हमने नहीं, तुमने कर्ज ले रखा है। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए वो जो है एक अलग रास्ते पे चल निकलते हैं और वो बन जाते हैं सबके सपनों की रानी, अर्थात ड्रीम गर्ल। अब भैया ड्रीम गर्ल बन के निकले हैं तो फिर झटका तो लगेगा ही। तो इसी बीच में होती है एक किसकी एंट्री, एक शानदार आदमी की एंट्री, यानी कि हीरोइन के बाप की। हीरोइन का बाप एक ऐसी सर देख देता है जिसके आगे हीरो को झुकना ही पड़ेगा। अब हीरोइन का बाप कहता है कि उसके अकाउंट में कम से कम 25 लाख रुपए होने चाहिए। अब 25 लाख के लिए हीरो क्या करेगा, जुल्फे लहराएगा, अपनी अदाओं की बिजली गिराएगा। तो इसके वजह से वो बन जाते हैं ड्रीम गर्ल। और फिर होता है शुरू पिक्चर में हंगामा कि आखिर वो खुद को कैसे बचा के रख पाते हैं लोगों की नज़रों से, खुद की असलियत को कैसे छुपा पाते हैं। तो यही सब फिल्म में दिखाया गया है। राज सांडिल इसके निर्देशक हैं, बाकी बालाजी पिक्चर ने बनाई है, एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। राज सांडिल इससे पहले जो है यही ड्रीम गर्ल बना चुके हैं। इससे पहले वो कई टीवी के शो, कॉमेडी शो लिखते थे। तो इस बार जो है क्या अलग दिखाने की कोशिश करी गई है। और आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, राजपाल यादव, परेश रावल, विजय राज, मनोज जोशी, ऐसे मंझे हुए, सीमा पाहवा, ऐसे मंझे हुए उम्दा किरदारों से सजी ड्रीम गर्ल आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जल्द आ रही है। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा, उसके गाने आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और वीडियो आपको ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।